डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडीज। हो हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू, जामिया मिल्लिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिशंस के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था प्रॉफिट यानी कि नबी और मैसेंजर यानी कि रसूल किसे कहते हैं, और इसके साथ ही साथ हमने प्रॉफिट और मैसेंजर इन दोनों के ही बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किए थे इन डिटेल। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के बेसिक्स क्या क्या हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईमान को, उसके बाद इस्लाम की जो होली बुक्स हैं और जो प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में एक हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे फोर मेन एंजल्स यानी कि चार इंपॉर्टेंट फरिश्ते कौन से हैं। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है यानी कि जीसस क्राइस्ट, इनकी बर्थ प्लेस इसराइल के इन चारों शहरों में से कौन सा शहर है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए बैथलहम, बी नजरत, सी हाइफा या फिर डी तेल अवीव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। माई फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स हैं। कौन कौन से? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और यहां पर फॉलो किया जाता है तौहीद को, यानी कि यहां पर जो इबादत की जाती है वो एक खुदा की, एक अल्लाह की जाती है। देन तौहीदी रिलीजन्स में जो इस्लाम है ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट, सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा अपडेटेड रिलीजन है। इसके जो मानने वाले हैं इनको मुस्लिम्स बोला जाता है, और क्योंकि इस्लाम एक खुदा के, एक अल्लाह की इबादत में यकीन रखता है इसीलिए इसे तौहीदी रिलीजन भी बोलते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, यानी कि इस्लाम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के बेटे थे हजरत अब्दुल्ला के, वो यहाँ पर वो इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, लास्ट रसूल बनकर आए। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में से थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में हैं, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यानी के जो यहूदी हैं वो उनकी नस्ल में हैं। और जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के जरिए लोगों तक पहुँचाया। जब हम बात करते हैं इस्लाम के बेसिक्स की, फंडामेंटल्स की, तो इस्लाम के कुछ फंडामेंटल्स क्या हैं? एक तो ईमान, देन उसके बाद होली बुक्स एंड प्रॉफिट्स और फोर एंजल्स। ये चीजें एक मुस्लिम को, एक मुसलमान को पता होनी जरूरी हैं। तो जब हम ईमान की बात करते हैं तो एक मुस्लिम के लिए जो ईमान है ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है उसकी वोकैबुलरी का, और ईमान को यहाँ पर ट्रांसलेट वैसे तो किया गया है एज फेथ और बिलीफ यानी के यकीन और अकीदा, लेकिन लेकिन जो ईमान के असल मीनिंग है वो है कन्विक्शन के, यानी के बिल्कुल ऐसा यकीन जो के अटूट हो, समझ गए? इसको हम बोलते हैं ईमान, यानी कि जो गॉड में, अल्लाह में एकदम अटूट यकीन रखने वाला बंदा होता है, ठीक है, जिसका अटूट यकीन होता है, ऐसे यकीन को हम बोलते हैं ईमान। और जो कोई भी इस तरह के यकीन को, इस तरह के ईमान को अपने अंदर पा लेता है, अपने अंदर उस ईमान को पूरा कर लेता है, उसे हम बोलते हैं मोमिन। तो जो इस्लाम है उसकी होली बुक्स और उसके प्रॉफिट्स को भी हम यहाँ पर
देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो इस्लाम के बारे में एक बात आप यहाँ पर ये समझ लिए कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो इस्लाम के फाउंडर नहीं थे, ठीक है। जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इस्लाम दुनिया में सबसे पहले दिन से था, जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे पहले इंसान थे हजरत आदम अलैहि सलाम। तो यहाँ पर इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग हजरत आदम अलैहि सलाम ही पहले इंसान और पहले नबी थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी हैं, ये इस्लाम के फाउंडर नहीं हैं। जो इस्लामिक थियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कंप्लीट हुआ है, उन पर इस्लाम शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए इसीलिए जो इस्लाम में जो प्रॉफिट्स हैं और जो बुक्स हैं वो यहाँ पर चार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार होली बुक्स हैं वो हैं तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, ठीक है। तौरात ये रिवील हुई हजरत मूसा अलैहि सलाम पर, जिनको के बाइबल में मूसेस के नाम से बुलाया जाता है। जबूर ये रिवील हुई हजरत दाऊद अलैहि सलाम पर, जिनको बाइबल में डेविड बुलाया जाता है। इंजील ये नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहि सलाम पर, जिनको के बाइबल में जीसस क्राइस्ट बुलाया जाता है। और कुरान ये नाजिल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि लास्ट प्रॉफिट माने जाते हैं इन द इस्लामिक थियोलॉजी। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ पर ये बोली कि ये चारों इस्लाम की ही बुक्स हैं। अब बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी इस बात से कंफ्यूज हुए हों, क्योंकि उन्हें शायद ये बात ही पता हो कि इस्लाम में सिर्फ कुरान और हदीस ही मानी जाती है। इस्लाम में जितनी भी गॉड ने लिटरेचर रिवील किया अपने प्रॉफिट्स पे, नबी पे, वो सब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम हजरत आदम अलैह सलाम पहले नबी थे और पहले इंसान थे। तो उनके बाद जो भी रेवलेशंस आते रहे बाद के लोगों पर, वो सब इस्लामिक टेक्स्ट ही कंसीडर किए जाते हैं। बट यहाँ पर अब एक सवाल ये उठता है कि मुसलमान तौरात क्यों फॉलो नहीं करते, जबूर क्यों फॉलो नहीं करते, इंजील क्यों फॉलो नहीं करते। तो इसका जवाब ये है, जो गॉड की तरफ से लेटेस्ट रेवल्यूशन है यहाँ पर मुस्लिम्स को, उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। क्योंकि तौरात ये सबसे पहला रेवलेशन था गॉड की तरफ से। उसके बाद जब जबूर गॉड ने रिवील की तो यहाँ पर तौरात को फॉलो करने को मना कर दिया। और अब जो नए कानून और जो नए मैसेजेस जबूर में थे उसको यहाँ पर फॉलो करने को बोला। फिर उसके बाद जब हजरत ईसा पे इंजील नाजिल की तो यहाँ पर जो जबूर की जितने भी ऑर्डर्स थे वो यहीं पर खत्म कर दिए गए। उसके बाद सबको बोला गया कि इंजील फॉलो करो। देन लास्ट नाजिल किया कुरान, सबको इसीलिए फॉलो करने को अब यहाँ पर बोला गया है कुरान। तो इसीलिए एक मुसलमान जो है वो ना ही तौरात, ना ही जबूर और ना ही इंजील को फॉलो करता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा एडवांस है। एक मुसलमान इसीलिए कुरान को ही फॉलो करता है। फिर फोर मेन एंजल्स, ये भी इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंजल यानी कि फरिश्ता, तो इस्लामिक थियोलॉजी में एंजल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी यहाँ पर चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजल्स हैं। वैसे तो एंजल्स बहुत सारे हैं बट इस्लामिक थियोलॉजी के अकॉर्डिंग चार इंपॉर्टेंट एंजल्स हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल और इसराफील। जो जिब्राइल हैं इनका काम क्या है? जिब्राइल अलैह सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया बेसिकली मैसेज भेजने के लिए। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, 1,24,000 मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स भेजे। किस लिए? ताकि इंसान को गाइड कर सके अल्लाह ताला उनके थ्रू। और जो अल्लाह ताला उनको गाइड करता था उनको करता था मैसेज भेजकर, कमांड भेजकर, ऑर्डर भेजकर। तो ये जो ऑर्डर या कमांड या मैसेज था इसको उस डिवाइन पर्सनैलिटी तक, उस नबी तक लेकर जाने वाले जो फरिश्ते हैं वो हैं हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम, देन मीकाइल अलैहि सलाम। अल्लाह ताला ने इनको बनाया और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी क्या है? रेन यानी कि बारिश करना। और बारिश पर क्या डिपेंड करता है? खाना। यानी कि एक तरीके से इनके
हाथ में, पूरी दुनिया का खाना पीना इन्हीं के हाथ में है कि कहाँ पर खाना पैदा हो रहा है। ये सब अल्लाह ताला ने निजाम रखा है हजरत मीकाईल अलैहि सलाम के अंडर। देन इजराइल अलैहि सलाम, इजराइल अलैहि सलाम को कंसीडर किया जाता है एज द एंजल ऑफ डेथ। जहां कहीं भी किसी को भी मरना होता है, उसकी जान जो निकालते हैं वो निकालते हैं हजरत इजराइल अलैहि सलाम। देन फोर्थ और लास्ट एंजल है हजरत इसराफील अलैहि सलाम। तो हजरत इसराफील अलैहि सलाम ये वो एंजल हैं जो कि कयामत के दिन का सूर फूंकने के लिए ये तैयार खड़े हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी ये दुनिया गॉड ने यानी कि अल्लाह ने बनाई है। तो इस दुनिया को एक दिन खत्म भी होना है, और वो दिन जो है वो कयामत का दिन होगा, और उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी हजरत इसराफील अलैहि सलाम के सूर फूकने से। तो जो सूर फूकने का काम है, जिससे दुनिया उसके बाद खत्म हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हजरत इसराफील अलैहि सलाम की। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि इसराइल के इन चारों शहरों में से यानी कि बैथलहम, नैजरेथ, हाइफा, तेल अवीव, इन चारों शहरों में से जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा अलैहि सलाम की बर्थ प्लेस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए बैथलहम। यस माय फ्रेंड्स, बैथलहम में ही जो जीसस क्राइस्ट हैं वो पैदा हुए थे, और वहां पर है चर्च ऑफ नेटिविटी, जो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च कंसीडर किया जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में, जहां पर के हम इस्लाम के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हैं तौहीद, सला, रोजा, जकात, हज। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।